हेलो यूपी जूनियर्स एस्पिरेंट, वेलकम इन A1 अपडेट चैनल। सबसे पहले बता दूं, अगर आप अदर स्टेट के हो यूपी को छोड़ के, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स और मैं इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी जूनियर्स रिजल्ट, जो कि अपडेटिव इन्फॉर्मेशन है। आपका जो रिजल्ट है दिसंबर में पब्लिश होना है, इसीलिए आपको वह इन्फॉर्मेशन देना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर, जैसे मैंने थंबनेल पर बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा। तो सच है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ और एक आर्टिकल भी आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जो कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके डीवी के लिए, आपके पास कितना समय बच गया है और आपका रिजल्ट यहाँ पर कब पब्लिश हो रहा है। तो सबसे पहले बात आती है रिजल्ट की, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीडीएस का रिजल्ट बहुत जल्द यहाँ पर पब्लिश होने के चांसेस बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कि आपकी मेरिट लिस्ट है और आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी मेरिट पर लगती है, जिसका सिलेक्शन होता है उनको अबो 90 ज़्यादातर होते हैं। तो चलिए कट ऑफ के भी बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो कि उत्तर प्रदेश जीडीएस रिजल्ट आपका दिसंबर में पब्लिश होने जा रहा है। एक रिपोर्ट आया था इसके रिगार्डेड मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि आपका रिजल्ट दिसंबर मिड या फिर दिसंबर लास्ट वीक तक यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट होती है, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट, वह पब्लिश हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर आपको क्या क्या करना होगा, वही बात हम आज करने वाले इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो कि जीडीएस का आपका रिजल्ट पब्लिश होते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका इंटीमिनेशन लेटर और आपका सिलेक्शन लेटर, ये सब कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपका रिजल्ट आज आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट यहाँ पर 25 दिसंबर को लग गया, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपको क्या करना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको कितने परसेंटेज चाहिए। तो सबसे पहले बता दूँ, अगर आपको इन 10th 80% भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन डिपेंड ऑन यूर पोस्ट पर डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आए हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ओवरऑल महाराष्ट्र, आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर आपने किसी भी स्टेट से अप्लाई किया है, तो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के थ्रू, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक प्रोवाइड की जाएगी। प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है डे बाय डे। तो सबसे पहले बात आती है परसेंटेज की, तो 80% अगर है तो आपको सिलेक्शन लाने के लिए सफिशियंट है, लेकिन आपके प्रेफरेंस मायने रखते हैं और आपकी कास्ट मायने रखती है। कट ऑफ रिलेटेड भी वीडियो बहुत है, आप जाकर देख सकते हो। इसमें जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, आपका डीवी कब होगा आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर मेरिट लिस्ट। मान लो आज 25 दिसंबर है, आपका रिजल्ट आ गया, आज आपने आपका नाम देख लिया, आफ्टर देन लगभग 8 to 10 डेज में आपका डायरेक्टली यहाँ पर इंटीमिनेशन लेटर आपके घर होगा, यानी कि इंटीमिनेशन लेटर आपका आ गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो डाल रखा है, यानी कि ऑल ओवर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना जीडीएस की, मैं कुछ नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं खुद 6 मंथ मैंने वर्क किया है, इसलिए मैंने ऑल ओवर जो इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं मेरे चैनल पर डाल दिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इतना ही इस वीडियो का उद्देश्य था कि आपको पता चले कि आपका रिजल्ट किसी भी वक्त पब्लिश हो सकता है, यूपी जीडीएस रिजल्ट, तो आप सटीक जानकारी आपको मिलती रहे और आप यानी कि जागरूक रहो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्योंकि आपका रिजेक्शन हो सकता है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं जब यहाँ पर डीवी के लिए गया था तो बहुत सारे रिजेक्ट मैंने स्टूडेंट देखे डॉक्यूमेंट एरर के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट में एरर होता है। अगर आपको किसी भी तरह की यहाँ पर यानी कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपका एरर है, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते हुए एरर कर दिया या फिर अदर एरर आपसे हुए हैं या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो फ्रेंड्स बेझिझक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट यहाँ पर पुट कर सकते हो। विद इन 24 आवर मैं आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, फॉर लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब ना और प्रेस द बेल आइकन, तो आपको यूपी जीडीएस और ऑल ओवर महाराष्ट्र जीडीएस आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बताऊंगा न्यू ऐप के बारे में, जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड हो चाहे जे नीट की पढ़ाई में कोई समस्या आ रही हो, सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने फोन नंबर से इजिली साइन अप करें, अपने क्वेश्चन या उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल में कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप ना कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहां पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। नो सर, थैंक यू। इज दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो ऐप, एंड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट डाउनलोड नाउ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल।